जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक क्वेरी है अखिल मौर्या की। वो बोलते हैं कि सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सैलरी के अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा? ग्रुप सी वाले एम्प्लॉय के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम किस टाइप का होगा, उसमें क्या क्या होगा? एंड फॉर एग्जाम्पल, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इज दैट सेविंग, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। अखिल मौर्या के साथ साथ इसी तरह का क्वेश्चन गौरव सैनी ने भी पूछा है। गौरव सैनी बोलते हैं कि हेलो सर, बोथ माय मदर एंड फादर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप सी। मदर इज स्टिल इन ग्रुप सी बट फादर प्रमोटेड टू ग्रुप ए एट द एज ऑफ 45। बोथ हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी इज मोर देन 8 लाख इंडिविजुअली, बट आई वॉन्ट टू नो वट टाइप ऑफ द इनकम इज इंक्लूडेड इन अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैनॉट डू द बिजनेस एंड ऑल्सो We didn't have any property on rent and we have interest from our deposit. Is that saving every year, etc.? So kindly help me out to understand the other source of income for government employees in detail. चलो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या हो सकता है। चलिए अब अदर इनकम सोर्सेस को समझते हैं। तो अदर इनकम सोर्सेस, जैसा कि ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये पैसिव इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, पैसिव इनकम सोर्स होते हैं। पैसिव इनकम सोर्स हम उसको बोलते हैं जिसमें जो जो इंडिविजुअल है वो एक्टिवली और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है और उसके उससे उस सोर्स से उसको अर्निंग हो रही होती है। तो ये पैसिव इनकम सोर्स कौन कौन से होते हैं उनको अभी हम देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम एंड कैपिटल गेन्स इनकम, ये सारे केसेस हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल गेन्स को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल तो आप समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन को मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको कि इनमें कौन कौन से इनकम सोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में आता है सेलिंग योर स्किल्स, क्रिएट एंड सेल योर ओन प्रोडक्ट, रीसेलिंग, सेल समवन एल्सेस प्रोडक्ट, किसी और के प्रोडक्ट्स को बेचना, लीज योर स्पेस एंड बिलोंगिंग्स, आपका जो स्पेस है आप उसको लीज पर दे देते हो, अपनी अपने किसी फ्लैट को लीज पर देते हो या लैंड को लीज पर देते हो या आपका कोई एसेट है उसको लीज पर देते हो, किसी और को लीज पर देते हो, उससे जो अर्निंग होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके करिस्पॉन्डिंग अर्निंग, इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, यूज हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये डाइवर्सिफिकेशन में आते हैं। अब समझते हैं इसमें सेल योर स्किल्स में क्या क्या आता है। जो फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आता है ग्राफिक डिजाइन, आप ग्राफिक डिजाइन करके अर्न कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी, कॉपी राइटिंग, जर्नलिज्म, कोचिंग, मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, फिजिकल ट्रेनिंग, बुक कीपिंग, टीचिंग, ट्यूटोरिंग, डेटा एंट्री एंड कंसल्टिंग। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जहाँ जो स्किल सेट आपका है उसके बेसिस पे आप अपने स्किल्स को यूज करके आप अर्न कर सकते हो। ये सारे जो कई सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए, इनके अलावा भी ऑप्शंस होंगे जो आप यूज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हो और अर्न कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। और जो लास्ट मैंने बताया था कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में एनी प्रॉफिट और गेन विच इज अर्न बाय ट्रांसफरिंग द कैपिटल एसेट्स, यानी कि जब अपना हाउस, आपका फ्लैट, आपका लैंड, जब इसका आप ट्रांजेक्शन करते हो, इसके करिस्पॉन्डिंग जो गेन्स होते हैं वो कैपिटल गेन्स में आते हैं। तो ये जो वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम है, जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम कैटेगरी में आते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम एंड कैपिटल गेन्स इनकम। तो दोस्तों, ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में आती हैं। अब आप इसको इसको देख के अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो अदर सोर्सेस इनकम के लिए। तो अब हम अपने फ्रेंड्स की इंक्वायरी क्वेरी पे वापस जाते हैं। तो गौरव सैनी की जो क्वेरी थी उसका एक पार्ट तो ये था जिसमें उन्होंने अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा था। दूसरा उन्होंने पूछा था कि उनके उनकी मदर और फादर दोनों ग्रुप सी में रिक्रूट हुए थे, मदर अभी भी ग्रुप सी में है, फादर ग्रुप ए में प्रमोट हो गए एट द एज ऑफ 45। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गौरव, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि आपके मदर और फादर की जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी।
और आपके मदर और फादर दोनों ग्रुप सी में थे, जिसमें से फादर ही ग्रुप ए में एस्केलेट हुए हैं, तो जो रूल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए हैं, मैं आपको लिंक दूंगा, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो ग्रुप सी में है, मदर और फादर पेरेंट्स किसी भी कैंडिडेट के, अगर वो ग्रुप सी में है, और अगर भले ही फादर उसमें ग्रुप ए में एस्केलेट हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, बट फिर भी वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे। और अखिल मौर्या जी के सवाल की अगर हम बात करें, तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या क्या आता है ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए। ग्रुप, ये जो मैंने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम शेयर किए हैं, ये सिर्फ ग्रुप सी के लिए नहीं है, ये किसी भी ग्रुप के लिए है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जब भी अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात आएगी, आप इस वीडियो को रेफर करेंगे तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी होगी आपके क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इसके बाद भी कुछ आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर जरूरत होगी तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आपके कुछ पुराने क्वेश्चंस थे जो अभी पेंडिंग है मेरे पास, मैं अपनी व्यस्तताओं के चलते आपके टाइमली जवाब नहीं दे पाया, बट मैं बहुत जल्दी एक एक करके उन सबको आपको ना सिर्फ रिप्लाई करूंगा बल्कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर क्लैरिटी हो सके। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।